कि इसका हम लोग सिलेबस पहले देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका हम लोग का इस प्रकार है दोस्तों कि बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, इससे आपके 15 प्रश्न आएंगे। तो प्राथमिक विद्यालय इस वजह से क्योंकि 1 से 5 तक के है ना बच्चों को आपको पढ़ाना, आप जब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए तो सबसे पहला चैप्टर हम देख रहे हैं विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध। दूसरा है पियाजे कोहलबर्ग और वायोगत्स्की, सिद्धांत और मुख्य बातें, बहुआयामी बुद्धि और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा जाति लिंग समुदाय धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना, और पांचवा है भाषा और विचार, और उसका नेक्स्ट जो है बाल विकास के सिद्धांत हैं। सातवां जो पॉइंट है हम लोगों का वो सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और अभ्यास, इनकी बात करेंगे। और बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाओं की जब बात करेंगे, और बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे, शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने, कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना, अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव की बात करेंगे, 12वें में समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक माता पिता सहपाठी, सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा की बात करेंगे। चलिए तो हम लोग चलते हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से, लर्निंग से इसका क्या संबंध है, विकास की अवधारणा क्या है एवं इसका अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग, लर्निंग से इसका क्या संबंध है, ये हम लोगों को जानना बेहद आवश्यक है। तो विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग कह सकते हैं विकास के बारे में कि विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। मतलब अविरल मतलब लगातार, कंटिन्यूअस, क्रमिक एक क्रम होता है उसमें, और सतत होता है मतलब लगातार चलने वाला प्रक्रिया होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा हमने क्या कहा कि विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, तो रुचि जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, हैबिट जिसको कहते हैं, एटीट्यूड जिसको कहते हैं, जीवन मूल्य मतलब सोशल वैल्यू है ना, स्वभाव और व्यक्तित्व जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग विकास की बात कर सकते हैं कि ये विकास इसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये विकास की प्रक्रियाएं हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया। ध्यान देंगे कि बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया, और बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व कहां, तो गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखिएगा यह प्रश्न पूछा जाता है कि बालक के विकास की प्रक्रिया उसके जन्म से पूर्व अर्थात गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, यह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। विकास की इस प्रक्रिया में वह गर्भावस्था, बहुत लोग क्या करते हैं पता है, विकास का आंसर शैशवावस्था देते हैं, शिशु से बनता है शैशवावस्था तो उसको देते हैं, ये गलत हो जाता है। तो गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होता है, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की स्थिति प्राप्त करता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो परिपक्वता की स्थिति धीरे धीरे इसी तरह होते चला जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग विकास के अभिलक्षण। अभिलक्षण का मतलब हो गया
कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये मृत्यु पर्यंत विकास होता रहता है। आगे आपसे कभी प्रश्न पूछा जाएगा तो वृद्धि और विकास में क्या फर्क है, तो आपको बताना पड़ेगा कि विकास जो है एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, लेकिन वृद्धि जो है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया नहीं है। आपकी लंबाई सब दिन नहीं बढ़ सकती, समझिएगा बात को, वो वृद्धि का प्रतीक है ना, वो एक लिमिट समय तक ही होता है, तो ये है। लेकिन विकास जो है ये जीवन पर्यंत प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो गर्भधारण से लेकर कहाँ तक, तो मृत्यु पर्यंत होती रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है हम लोग का कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः है ना, समझिएगा ध्यान से कि विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापरक और प्रगत्यात्मक और नियमित होते हैं, ठीक है। यानी विकास से संबंधित जो परिवर्तन होते हैं उनकी अपनी एक व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, और प्रगत्यात्मक का मतलब होता है प्रोग्रेसिव होता है, और नियमित होता है मतलब रेगुलर होता ही रहता है। मतलब कैसे, तो सामान्य से विशिष्ट है ना, सरल से जटिल, और एकीकृत से क्रियात्मक, स्तरों की ओर अग्रसर होना होता है, और इसी दौरान यह एक पैटर्न का अनुसरण करता रहता है। क्या करता है? ये पैटर्न का अनुसरण करता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ है ना, विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं, कुछ परिवर्तन है ना, कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और सुस्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं, जैसे पहला दांत निकलना है ना, जबकि कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता, क्योंकि वे अधिक प्रखर नहीं होते, जैसे व्याकरण को समझना है ना, आप इसको डेली नहीं देख सकते, ठीक है। आप ये कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है लेकिन इसको देख नहीं सकते है ना, इसको धीरे धीरे फील किया जा सकता है, ठीक। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो विकास की प्रक्रिया सतत मतलब कंटिन्यूअस होने के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। कुछ तेजी से होते हैं और कुछ को हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग का कि विकास जो है वो बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल हो सकता है ये, अर्थात कुछ क्षेत्रों में ये बहुत तीव्र वृद्धि दर्शाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। ध्यान दीजिएगा कि अन्य क्षेत्रों में उसमें कुछ कमियां देखने में आती हैं। और अगला पॉइंट है कि विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है, ठीक है। और है अगला पॉइंट हम लोग का कि विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः क्या होता है, तो प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण के तौर पर शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे क्या, हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में स्मृति का छीन होना है ना, ये कमी भी हो सकता है। तो ये विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। कि विकास जो है, विकास का मतलब ये नहीं कि आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव भी हो सकता है। वृद्धावस्था में स्मृति का छीन हो जाना, हड्डियों के घनत्व में कमी हो जाना है ना,
अगला पॉइंट हम लोग का कि वृद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता है ना। विकास के पैटर्न में प्रायः सपाटता भी देखने में आती है। ध्यान दीजिएगा कि विकास का जो पैटर्न होता है उसमें सपाट होता है, वो सीधा, जिसमें ऐसी अवधि का भी संकेत मिलता है जिसके दौरान कोई सुस्पष्ट या क्लियर सुधार देखने में नहीं आता, ठीक है। और विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे कि आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, और अथवा गुणात्मक जैसे कि नैतिक मूल्यों का निर्माण। ये सारा क्या है, ये सारा जो है क्या है, तो विकास से संबंधित चीजें को बात की जा रही है, ठीक है। हम लोग अगला पॉइंट देखिए क्या है कि विकासात्मक परिवर्तन या सापेक्षता स्थिर होते हैं। विकास से रिलेटेड जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, वो स्थिर होते हैं, जैसे मौसम, थकान अथवा अन्य आकस्मिक कारणों से होने वाले अस्थाई परिवर्तनों को विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते, है ना, इसको विकास की श्रेणी में नहीं रख सकते। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है, पहले बताए कि मल्टी डायमेंशनल और परस्पर एक दूसरे से संबंध रखने वाले होते हैं। अनेक क्षेत्रों में यह परिवर्तन एक साथ एक ही समय पर हो सकते हैं अथवा एक समय में एक भी हो सकता है। और देखेंगे कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आपका कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत इसमें आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। कि किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। कहा जाता है विकास के बारे में कि विकास प्रासंगिक हो सकता है, कंटेक्स्टुअल होता है विकास, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और यह ऐतिहासिक और परिवेश और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित होता है ना। माता पिता का देहांत हो जाना, किसी प्रकार की दुर्घटना होना, युद्ध होना, भूचाल आना और बच्चों के पालन पोषण के रीति रिवाज, ऐसे घटकों के उदाहरण हैं जिनका विकास पर प्रभाव पड़ सकता है ना। देखिए, किसी का देहांत हो जाने से निश्चित रूप से किसी का मानसिक विकास जो अवरुद्ध हो सकता है, पागलपन का शिकार हो सकता है, दुर्घटना को देख करके उसका मेंटल जो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है, तो विकास पर प्रभाव इन वजहों से पड़ सकता है। और अगला पॉइंट है कि विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर कैसे होते हैं, आनुवांशिक घटकों अथवा परिवेशी प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है ना। उदाहरण के लिए, यद्यपि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 4 वर्ष की आयु पूरी होने पर भी पूरे वाक्य बोलने में सक्षम नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अपनी आयु की उच्चतम सीमा से ऊपर जाकर ही बोलने में सक्षम होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह चीज बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग का आगे का पॉइंट है कि हाँ, अगला पॉइंट हम लोग का क्या है, हम लोग का अगला पॉइंट है कि वृद्धि और विकास में अंतर। ये जानना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि वृद्धि एवं विकास का प्रयोग लोग प्रायः पर्यायवाची शब्दों के रूप में करते हैं। कैसे, सिनोनिमस, सिनोनिमस है ना। अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इन दोनों में अंतर होता है। वृद्धि और विकास में बहुत ही सूक्ष्म और महीन अंतर होता है। क्या होता है, देखिएगा, वृद्धि और विकास का अंतर अब आपको
मुझे लगता है कि बहुत क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, है ना। क्या इसका अंतर होगा बता सकते हैं कोई? मोहित बाबू हैं जुड़े हुए? मोहित बाबू जुड़े हुए हैं, एक बार मैसेज कर दीजिए तो मोहित जी। चलिए चलिए देखते आगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग है ना, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों, जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन इत्यादि होता है ना। परिमाण, परिमाण में परिवर्तन उसको कहते हैं, समझ ना बात को। तो वो चीज़ होता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोगों का कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। ध्यान देंगे कि वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का क्या होता है? चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है ना। विकास, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण होता है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है। और वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, और बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। ध्यान दीजिएगा कि बालक के परिपक्व होने के साथ ही क्या होती है? यह रुक जाती है। और अगला पॉइंट है कि बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। इस बात को आप लोगों को क्लियर करके चलना चाहिए। आगे देखते हैं, विकास की बात करते हैं। तो विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक कार्यक्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए भी होता है, ठीक है। और विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है, वृद्धि केवल इसका एक भाग होता है। विकास का क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है, और वृद्धि का क्षेत्र जो है वो उतना बड़ा नहीं होता, वो छोटा होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का कि विकास एक सतत प्रक्रिया है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी यह चलता रहता है, जबकि वृद्धि जो है वो रुक जाती है ना। आपके आकार में, प्रकार में लगभग परिवर्तन, आपकी लंबाई में परिवर्तन होना लगभग नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। बालक में क्या बोले हम? बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि मानव विकास की अवस्थाओं की जब हम लोग बात करेंगे, तो मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है। मानव विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, लेकिन मनोशारीरिक क्रियाओं, मतलब मन और शारीरिक क्रियाओं में विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है? मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इतना सा पॉइंट आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भारतीय मनुष्यों ने मानव विकास की अवस्थाओं को 7 कालों में विभाजित किया है। क्या क्या है वो 7 काल? याद रखिएगा कि गर्भावस्था है, गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था है, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था है, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था है, 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ावस्था है, 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। और वृद्धावस्था है, 55 वर्ष से मृत्यु तक। ये आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं अभी, है ना। तो एक है शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरा है बाल्यावस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा है किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा है वयस्कावस्था, 18 वर्ष से मृत्यु तक। पांचवा है शिक्षा के दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इसीलिए
शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं तीन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो शिक्षा जो है, शिक्षा ध्यान दीजिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में है ना, किसमें? तो शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान में, ठीक है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं तीनों की ज्यादा जरूरत है। तो ध्यान आप लोग को देना पड़ेगा इस चीज को लेकर के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट देखते हैं, अधिगम की हम लोग बात करते हैं, लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, लर्निंग की बात करते हैं। तो अधिगम का अर्थ होता है क्या? अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग का कि जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है ना, जन्म के तुरंत बाद से व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है, और अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम मतलब लर्निंग, आप व्यवहार सीखते हैं, आप नैतिकता सीखते हैं, आप अच्छाइयों को सीखते हैं, तो उससे आपका सर्वांगीण विकास होता है। आप गणित सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, कई भाषाओं को सीखते हैं, तो आपका माइंड डेवलप होता है। आप समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना, पढ़ना लिखना, हंसना बोलना सब सीखते हैं। तो अधिगम जो है आपके व्यक्तित्व का विकास करता है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। आप विदेश चले जाइएगा तो वहाँ पर आपका जो स्किल है वो काम आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है, इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो पाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो जाए, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। सार्थक अधिगम के ठोस चीज़ों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने व उनमें बदलाव लाने की उत्पादक प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा कर उसे है ना रटने की प्रक्रिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं परिभाषाओं की, ठीक है। परिभाषा क्या कहता है? परिभाषा को ध्यान में दीजिएगा, ध्यान में रखिएगा कि गेट्स जो है, गेट्स कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, और EPL के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। क्रो एवं क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित हैं, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में बाद में उत्तरोत्तर हमेशा जो है क्या होता रहता है, तो परिवर्तन होता रहता है। चलिए आगे चलते हम लोग, अगला पॉइंट हम लोग का क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कि यह व्यक्ति को अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सभी बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता होती है। अगला पॉइंट है कि बच्चे मानसिक रूप से तैयार हों उससे पहले ही उन्हें पढ़ा देना बाद की अवस्थाओं में उनमें सीखने की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। उन्हें बहुत से तथ्य याद तो रह सकते हैं, लेकिन संभव है कि वे ना तो उन्हें समझ पाएं और ना ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया से जोड़ पाएं। इसीलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग, है ना। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। इन दोनों जगहों में यदि संबंध रहे तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है। सीखना किसी के मध्यस्थता उसके बिना भी हो सकता है।
आप सीख सकते हैं किसी की मदद से या स्वयं भी, है ना। प्रत्यक्ष रूप से सीखने सामाजिक संदर्भ व संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद विद्यार्थियों को स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं, है ना। सीखने की उचित गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल न जाए बल्कि उसे समझ सकें और आत्मसात कर सकें, है ना। ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है। चलिए देखते हैं बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएं एवं उनका अधिगम से संबंध, याद रखिएगा, है ना। तो शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। शैशवावस्था एवं उसके दौरान अधिगम, है ना। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। इसी काल में बच्चों का समाजीकरण भी प्रारंभ हो जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। इस काल में जिज्ञासा मतलब क्यूरियस होते हैं बच्चे इस उम्र में, याद रखिएगा कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ही तीव्र पाई जाती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिकों के दृष्टि से यह काल जो है भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है, ठीक है। यह काल शिक्षा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न आपका आता है कि शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो आपको शैशवावस्था देना है। बाल्यावस्था अधिकतर लोग कर देते हैं तो ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है बाल्यावस्था में हम इसके दौरान अधिगम की बात करेंगे। तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं और बाल्यावस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ाते हैं और इस काल में बच्चों की चिंतन, या ध्यान दीजिएगा, चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास बाल्यावस्था में होता है। चिंतन और तर्क शक्ति का विकास बाल्यावस्था में होता है। और अगला पॉइंट है इस काल के बाद से बच्चे पढ़ाई में भी रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। किशोरावस्था एवं इसके दौरान अधिगम की बात करते हैं। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है, ठीक है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है, ठीक है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है, ठीक है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का क्या होता है, पूर्ण विकास होता है। उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं उसमें अस्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में प्रगाढ़ता भी होती है। इस दौरान सामान्य सी बात है, इस तरह अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। और क्या, इस उम्र की सबसे बड़ी समस्या यौन समस्या है, ठीक है। इस अवस्था में नशा और अपराध की ओर भी जो है बच्चे उन्मुख होने लगते हैं। अगर कहते हैं कि एज ऑफ टीन इज वेरी डेंजरस, है ना, एज ऑफ टीन जो है वो बहुत डेंजरस होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का जो एज है वो बिगड़ने का भी उम्र हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट पे चलते हैं। किशोरावस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है, ठीक है।
अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं। उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोगों, यौन दुर्व्यवहार, HIV संक्रमण, नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकती है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है और विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध की बात करते हैं कि बाल विकास को वैसे तो कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं। शारीरिक विकास जिसको हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, मानसिक विकास जिसको हम लोग कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, भाषाई विकास को हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं और सांवेगिक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, मनोगत्यात्मक विकास को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, शारीरिक विकास हम अधिगम की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, शारीरिक विकास और अधिगम की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक विकास और अधिगम में क्या क्या चीज आएगा? चलिए, इसमें जो है मनोगत्यात्मक यानी मोटर डेवलपमेंट तक की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, शारीरिक विकास ये क्या चीज है, तो बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण हैं क्या क्या, तो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मोटर डेवलपमेंट। तो हम लोग अगले क्लास में इन सबों पर एक एक करके चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट तब तक आप बने रहिए टॉपर्स नोट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।